हेलो दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने फेसबुक रील्स को वायरल कैसे करें और उसमें अनलिमिटेड व्यूज कैसे पाए। तो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आप इजीली तरीके से अपने फेसबुक रील को वायरल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाले, वीडियो पर लास्ट तक कंप्लीट वॉच करिएगा। आप तक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलते वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं अपना रील्स दिखा देता हूँ, मेरे कितने कितने व्यूज आते रहते हैं। तो आपको अपने प्रोफाइल पे जाने के लिए आपको पहले रील्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप एक कोई भी रील्स को ओपन कर लेना। करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद देख लीजिएगा मेरे पास कितने सारे व्यूज आए। मैंने एक दो घंटे पहले ही मैंने सारे रील्स को अपलोड किए हैं। देख लीजिए मेरे हाईएस्ट व्यूज़ देख लीजिए 1K, और इसमें भी 1K हैं और इसमें भी 1K, तीन में मेरे 1K आए। ये सब ट्रेंडिंग में जा रहे हैं क्योंकि मैंने एक दो घंटे पहले ही मैंने इन सब रील्स को अपलोड किया। तो आपको ये रील्स को वायरल करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले ना सेटिंग में जाकर ना आपको कुछ सेटिंग करना है। तो आपको क्या सेटिंग करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्रोफाइल पर आ जाना है। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको देख लेना है कि आपको प्रोफाइल लॉक है कि नहीं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 डॉट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख लेना है लॉक प्रोफाइल, इसको इस पर देख लेना है कि नहीं। देख लीजिए मेरा लॉक नहीं है, आप भी अपना अनलॉक कर लीजिएगा। लॉक हो तो अनलॉक कर लीजिएगा, क्योंकि लॉक करोगे तो आपका जो रील्स है ना वो पब्लिक के पास नहीं जाएगा, हर लोग के पास नहीं जाएगा, इसलिए आपको अनलॉक कर लीजिएगा लॉक है तो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस ये होने के बाद इसके बाद क्या करना होगा, आपको सेटिंग में जाकर आपको पब्लिक करना है। तो पब्लिक कैसे करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आने को दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा सेटिंग, इस पर भी क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा रील्स, यहाँ पर रील्स, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड और फर्स्ट फ्रेंड एक्सपोर्ट नहीं करना, आपको पब्लिक करना। पब्लिक करोगे तो आपका रील्स हर लोग के पास जाएगा और सजेशन में भी जाने लग जाएगा। तो आपको पब्लिक कर देना। फ्रेंड करोगे तो आपको केवल फ्रेंड ही पे जाएगा, आपको पब्लिक कर देना। पब्लिक करने के बाद आप दिख रहा होगा अलाउ अदर टू शेयर योर रील टू देयर स्टोरी, तो आपको यस करना, आपको नो नहीं करना, आपको यस कर देना। करने के बाद आपको ना फिर रील्स को अपलोड करना। तो रील्स को कैसे अपलोड करना है, आपको रील्स को कैसे अपलोड करना है, आपको वह अपने प्रोफाइल पर आ जाना। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको ना रील्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट रील्स पर क्लिक कर देना। क्रिएट रील्स पर क्लिक करने के बाद आपको रील्स भी बना सकते हो, आपको फ़ोटो में यहाँ दिख रहा होगा आपको जो वीडियो है आप वो भी लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मेरा भी फ़ोटो आएगा। तो आपको कोई सा भी एक रील्स को अपलोड कर लेना है। तो देख लीजिए ये इंडिपेंडेंस डे वाला मैंने लगा चुका हूँ, तो इसी से मैं ये रील्स ढाल देता हूँ, मैच कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको जिस रील्स जो भी कैटेगरी का आप रील्स, तो आपको ना वहाँ पर टाइटल लिखना है। टाइटल लिख लीजिए यहाँ पर 15 अगस्त का, तो मैं 15 अगस्त लिख देता हूँ। ये 15 अगस्त का ये रील्स है, 15 अगस्त लिख देता। आपका भी जो भी कैटेगरी रील्स होगा ना, उस कैटेगरी का आपको टाइटल लिखना है। तो 15 अगस्त लिख दिया। आपको हैशटैग लगाना है। हैशटैग कैसे लगाना, आपको वायरल हैशटैग लगाना। तो आपको किस किस का हैशटैग लगाना है, जैसे कि आपको शॉर्ट पहले लगा लेना। शॉर्ट्स देख लीजिए, शॉर्ट पे 14 मिलियन पोस्ट, आपको शॉर्ट पे आपको शॉर्ट का हैशटैग लगा लेना। फिर शॉर्ट आपको जिस कैटेगरी का, आपको उस कैटेगरी का रील्स लगा लेना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिया, अब इंडिया का भी लगा लेना। जिस पर ज़्यादा ज़्यादा हैशटैग लगाना उसका आपको लगा लेना। आप उसको वायरल पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 80 मिलियन पोस्ट है, तो इस पर भी क्लिक करके आप वायरल का भी लगा सकते हैं। आपका जो भी कैटेगरी का, तो आप उस कैटेगरी का आपको हैशटैग लगाना होगा। आप पे चॉइस है, एक ट्रेंडिंग पे भी आपका ट्रेंडिंग हाउस पर हैशटैग लगा सकते हैं। तो मैं ट्रेंडिंग भी लगा लेता हूँ। देख लीजिए ट्रेंडिंग्स पर कितने सारे पोस्ट है, आप 50 मिलियन, तो आपको ट्रेंडिंग पे भी लगा लेना। अब देखिए मेरा इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं एक इंडिपेंडेंस डे पे का एक हैशटैग लगा लेना। आप जिस कैटेगरी का आप लगाना चाहते हो, उस कैटेगरी का आपको हैशटैग लगाना होगा। जैसे आप क्रिकेट का लगा, तो क्रिकेट के बारे में आप थोड़ा बहुत हैशटैग लगा लेना और टाइटल में भी थोड़ा लिख लेना। तो मैं एक मेरा इंडिपेंडेंस डे का वीडियो, तो मैं इंडिपेंडेंस डे लिख देता हूँ।
इंडिपेंडेंस डे। देख लीजिएगा इस पर कितने सारे 1.7 मिलियन पोस्ट है, तो हमें एक इंडिपेंडेंस का कर देता हूँ। आपको भी जिस कैटेगरी का आपका रील्स है उस कैटेगरी का आपको टैग लगा दीजिएगा। आपको पहले तो शॉर्ट और वायरल ट्रेंडिंग हर हर वीडियो में लगा लेना और हर हर रील्स में लगा लेना। अभी कोई से भी आप रील डालेंगे उसमें लगा लेना। लगाने के बाद आपको 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 क्या बोलते पब्लिक कर देना है, पब्लिक आपको फ्रेंड या कुछ मत करना, आपको पब्लिक कर देना। पब्लिक करने के बाद आपको शेयर रील्स पे क्लिक कर देना इसको। देख लीजिएगा मेरा रील्स अपलोड हो रहा है, तो आप भी ऐसे अपलोड करिएगा। तो आप और ऐसे हैशटैग और ऐसे टाइटल लिखिएगा तभी आपका रील्स वायरल होगा। आप कुछ और लिख दोगे आपको हैशटैग नहीं लगा होगा तो आपका रील्स वायरल नहीं होगा। तो आपको हैशटैग और टाइटल लिख लेना है, ये हैशटैग और टाइटल लिख लेना आपको भी। अब थोड़ी देर में मेरा रील्स अपलोड हो रहा है। देख लीजिएगा अपलोड रील्स अपलोड हो चुका है, तो आपको सिर्फ क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिएगा मेरा रील्स एक अपलोड हो चुका है। तो आप भी करिए, आपके रील्स पे अनलिमिटेड व्यूज और वायरल भी हो सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।